हम आज एक ऋषिराज की पावन कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। आनंद कंद ऋषि दयानंद की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हमारे प्यारे भारत की संस्कृति दुनिया की सबसे पुरानी संस्कृतियों में से एक है, जिसे हर युग में महान आत्माओं ने जन्म लेकर शीर्ष तक पहुंचाया है। इन्हीं महान लोगों में से एक ऐसी ही शख्सियत ने भारत की भूमि पर सन 1824 में जन्म लिया, जिसने सत्य का पाठ पढ़ाकर दुनिया को ज्ञान के प्रकाश से अवलोकित कर दिया। हम बात कर रहे हैं महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती की, जिन्होंने 10 अप्रैल 1875 को आर्य समाज की स्थापना की, और वह आधुनिक भारत के महान चिंतक, दार्शनिक और समाज सुधारक भी रहे हैं। बचपन में लोग उन्हें प्यार से मूल शंकर के नाम से पुकारते थे, लेकिन किसी को नहीं पता था कि यही मूल शंकर आगे चलकर दुनिया को जीवन के मूल मंत्र सिखा जाएगा। एक बार जब उन्होंने शिवलिंग पर चूहे को भगवान का प्रसाद खाते देखा, तो उनका मन अनेक प्रश्नों से भर गया, और इन्हीं प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए वह घर बार त्याग कर गुरु विरजानंद जी की शरण में चले गए। वैदिक संध्या हवन और उन्होंने सन्यासी जीवन धारण कर लिया। यहां उन्होंने पाणिनि व्याकरण, पतंजलि योग सूत्र तथा वेद वेदांग का अध्ययन किया। इसके बाद उन्होंने भारत भ्रमण कर लोगों को वेदों के महत्व के बारे में समझाया और वेदों की तरफ लौटने का संदेश भी दिया। स्वामी दयानंद सरस्वती न सिर्फ अध्यात्म की बात करते थे, बल्कि उनका देश प्रेम भी अध्यात्म जितना ही गहरा था। उन्होंने फिरंगियों के खिलाफ सबसे पहले स्वराज का नारा दिया, जिसे लाला लाजपत राय जैसे क्रांतिकारियों ने आगे बढ़ाया। यही नहीं, समाज में फैली अनेक कुरीतियों के खिलाफ भी उन्होंने नारी के हक में आवाज उठाई। स्वामी जी संस्कृत के अगाध ज्ञानी थे और वह संस्कृत में धारा प्रवाह बोलते थे। इसके साथ ही तर्क वितर्क और शास्त्रार्थ में उनका कोई मुकाबला नहीं था, क्योंकि वह हमेशा सच्चाई और मानवता की बात करते थे। उनके द्वारा लिखी गई अनेक पुस्तकों में खासकर सत्यार्थ प्रकाश का स्तर अतुलनीय है। स्वामी दयानंद जी के विचारों से प्रभावित महापुरुषों की संख्या असंख्य है। आज भी करोड़ों लोग उनके दिखाए हुए मार्ग पर चलकर अपने जीवन को सही दिशा दे रहे हैं। समस्त आईएमसी परिवार आज महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती को नमन करते हुए संपूर्ण देशवासियों को उनके जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं देता है। भारत माता की जय। वंदे मातरम। गुड आईएमसी। जिन लोगों ने आईएमसी बिजनेस पेज को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो कृपया हमें सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे क्लिक करें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।